नमो बुद्धाय, जय भीम। आपल्या सर्वांचं स्वागत करत आहे प्रबुद्ध टीव्हीच्या या लाईव्ह ब्रॉडकास्टिंगमध्ये। प्रबुद्ध टीव्ही अशाच ऐतिहासिक ठिकाणाहून ऐतिहासिक दिनी लाईव्ह करीत असतो। 14 एप्रिलला म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीदिनी म्हणजे महू येथून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जन्म ठिकाणाहून लाईव्ह करीत असतो। बौद्ध पौर्णिमेला गौतम बुद्धांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या लुंबिनी, बौद्धगया, सारनाथ तसेच कुसीनारा येथून लाईव्ह करीत असतो। 14 ऑक्टोंबर व धम्मचक्र अनुप्रवर्तन दिनी पवित्र अशा नाग लोकांच्या नागपूर येथील दीक्षाभूमी येथून लाईव्ह करीत असतो। 6 डिसेंबरला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनी चैत्यभूमी दादर मुंबई येथून लाईव्ह करीत असतो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या हस्ते धर्मांतरांच्या 2 वर्षाआधी प्रतिष्ठापना केलेल्या बुद्ध मूर्ती प्रतिष्ठापना वर्धापन दिनी म्हणजे 25 डिसेंबरला धम्मभूमी देहू रोड या ठिकाणाहून तसेच मनुस्मृती दहन केलेल्या क्रांतीभूमी महाड येथून सुद्धा लाईव्ह करीत असतो। 1 जानेवारीला शौर्य दिनी भीमा कोरेगाव येथून लाईव्ह करीत असतो। 7 फेब्रुवारीला आई रमाई यांच्या जन्मदिनी अशोक वाटिका अकोला येथून आयोजित रमाई जन्मोत्सव लाईव्ह करीत असतो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित पहिली राष्ट्रीय महार मांग वतनदार परिषद आयोजित करण्यात आली होती। अशा कसबे तडवडे जिल्हा उस्मानाबाद येथून लाईव्ह करीत असतो। 22 व 23 मार्च रोजी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या माणगाव परिषद वर्धापन दिनी माणगाव कोल्हापूर येथून लाईव्ह करीत असतो। तसेच अनेक धम्म परिषदा तसेच सामाजिक व राष्ट्रीय उत्सव प्रबुद्ध टी व्ही लाईव्ह करीत असतो। प्रबुद्ध टी व्हीच्या सर्व सबस्क्रायबरना आणि व्ह्यूअर्सना सांगताना अत्यंत आनंद होतो की असे भव्य लाईव्ह प्रक्षेपण करणारे प्रबुद्ध टी व्ही पहिलेच नव्हे तर एकमेव चॅनल आहे जे ऐतिहासिक ठिकाणाहून ऐतिहासिक दिनी लाईव्ह प्रक्षेपण करत असते। प्रबुद्ध टी व्हीच्या या ऐतिहासिक कार्यात आपल्यालाही मोलाचा वाटा उचलायचा असल्यास आपण आम्हाला आर्थिक सहकार्य करून अप्रत्यक्ष यात सहभागी होऊ शकता। आम्हाला आर्थिक मदत करण्यासाठी आमचा पेटीएम, फोनपे तसेच गुगल पे क्रमांक स्क्रीनवर तसेच डिस्क्रिप्शनमध्ये उपलब्ध आहे। तुम्हाला योग्य वाटेल अशी धम्मराशी आम्हाला दान करू शकता। प्रबुद्ध टी व्हीला याशिवाय कुठलीही आर्थिक स्रोत नाही याची सुद्धा आपल्या सर्व धम्मबांधवांनी नोंद घ्यावी। म्हणून प्रबुद्ध टी व्हीला खुल्या मनाने व सढळ हाताने आर्थिक सहकार्य करावे। आपण सर्व मदत कराल प्रबुद्ध टी व्हीलाही अशाच नाही तर पूर्ण विश्वास आहे आपल्या समाजावर तसेच समाज बांधवांवर। अशा सर्व महत्त्वाच्या ठिकाणावरील लाईव्ह व्हिडिओ बघण्यासाठी प्रबुद्ध टी व्ही चॅनलला सबस्क्राईब करा। आपण सर्वांना कळकळीची विनंती असेल की या लाईव्ह व्हिडिओच्या लिंकला व्हॉट्सॲप, फेसबुक तसेच इतर माध्यमावर शेअर करा, जेणेकरून आपल्या बांधवांनाही हे लाईव्ह प्रक्षेपण बघता येईल। सोबत विनंती असेल या व्हिडिओला लाईकसुद्धा करा। हे लाईव्ह प्रक्षेपण बघत असलेल्या बांधवांनी आपले नाव व आपल्या जिल्ह्याचे नाव कमेंट करावे, जेणेकरून आम्हालाही कळेल की हे लाईव्ह प्रक्षेपण कोण व कुठून बघितलं जात आहे। व सोबतच सर्वांना विनंती असेल की या लाईव्ह व्हिडिओची लिंक जास्तीत जास्त शेअर करावी। जय भीम, नमो बुद्धाय। पहली बात तो आज सूर्य दिवस है, उसके सभी देशवासियों को बहुत बहुत मंगल कामना। सूर्य दिवस इतनी आसानी से नहीं मिला है, इसके लिए हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी। परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ आए, उन्होंने कहा कि अपने इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इतिहास लिखना चाहते हैं तो अपने इतिहास को पहले पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमारा इतिहास,
और मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो तमाम तरह की बंदिशें थी। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने मुझे पहले नज़रबंद कर रखा, फिर मैं कोर्ट गया, कोर्ट के बाद मैंने कहा कि मैं जाऊँगा, चाहे आज मेरी जान क्यों न चले मैं जाऊँगा। लेकिन लास्ट टाइम मैं आना चाहता था मगर मैं जेल में, बहुत दुखी था। नहीं आ जब CNPR NRC का आंदोलन हुआ, जामा मस्जिद से मुझे गिरफ्तार किया गया, पिछली बार में नहीं आ पाया, इस बार मैं आया और इसलिए आया कि अपने लोगों को इतिहास बता सकूँ। ये हमारा शौर्य दिवस इसलिए, विजय दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारे योद्धाओं ने गुलामी काटने के लिए जंग लड़ी थी। और इससे ये भी पता लगता है कि यहाँ बिना मांगे कुछ भी नहीं मिला। अगर आपको कोई भी गुलामी काटनी पड़ी तो उसके लिए यहाँ संघर्ष करना पड़ा है। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, अगर बाबा साहब के सपनों को आप पूरा करना चाहते हैं, उनके सपनों का भारत चाहते हैं, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आप संसद विधानसभाओं में बहुमत में नहीं है लेकिन सड़कों पर बहुमत में रहिए, इससे पहले कि आपके सारे अधिकार खत्म हो जाए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, ये सबसे जरूरी लाइन मैंने जब अपने जीवन में पढ़ी तो मेरे जीवन में बदलाव हुआ। जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है स्वाभिमान से जीना, सम्मान से जीना। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जब तक संविधान जिंदा है मुझे मरा हुआ मत समझना, जब तक संविधान जिंदा है मुझे मरा हुआ मत समझना, जब तुम सब लोग मिलकर भारतीय संविधान की सुरक्षा करना, मैं संविधान के बीच कारण आप लोगों के बीच में जिंदा, तो हम बाबा साहब को जिंदा ही रखेंगे अपने विचारों में, अपने आदर्शों में, अपने संकल्प में, अपने सिद्धांतों में। और बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए, इस देश को प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए, इस देश में कमजोरों का, शोषितों का, वंचितों का, जैसे उनके गैर बराबरी खत्म हो, समता समानता बंधुत्व पर आधारित भारत, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू करना जो उनका इनकी इच्छा थी, जिसके लिए उन्होंने हमें सारे हक अधिकार दिए संविधान। आज मेरे तन पे कपड़े हैं और मैं यहाँ आ पा रहा हूँ गाड़ी में बैठ के, ये बाबा साहब अम्बेडकर के लिए। हम जानवर तो रहते, इंसान ना बन पाते अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते। तो मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि पूरी दुनिया को ये बता सकूँ कि नए वर्ष की तो हार्दिक बधाई है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा बधाई इस बात की कि हमने गुलामी काटी थी और 200 साल से ज़्यादा हो गए। लोग इस यहाँ तरह तरह से माहौल ख़राब करने का काम करते हैं, लेकिन हमारे लोग पूरी हिम्मत से अपनी मेहनत की कमाई खर्च करके यहाँ आते हैं हमेशा। मैं जब तक जिंदा रहूँगा मैं यहाँ आऊँगा। अगर मेरी इस बीच में इसके किस डेट इस दिन के करीब मेरी जान भी चली गई तो मैं लोगों से कहूँगा कि मेरी लाश को जरूर यहाँ लेकर, मैं यहाँ नमन करूँगा कि ये मेरे पुरखों की धरती है, यहाँ हमारा इतिहास है। देश में जहाँ कहीं भी संघर्ष होता है वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद खड़ा होता है, तो इसका ये जो ऊर्जा है वो कहाँ से मिलती है? बाबा साहब अम्बेडकर के त्याग बलिदान से मिलती है। अगर वो अपने चार चार बच्चों को कुर्बानी ना देते कि आज हम लोग ये स्वाभिमान की आज़ादी की जिंदगी जी पाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के त्याग बलिदान तपस्या से, उनकी मेहनत से, उनके संघर्ष से, उनके समर्पण से वो ऊर्जा मिलती है। और अगर कहीं भी जुल जाती होगी तो मैं वहाँ जाऊँगा, चाहे वो देश का कोई भी कौन। और मैं उम्मीद करूँगा कि लोगों से, मैं उम्मीद करता हूँ कोरोना का काल खत्म हो जाएगा, अगले साल 2022 में वहाँ ज़रूर पहुँचें और नमन करें अपने वीरों को, अपने शहीदों को, उन लोगों को, उन क्रांतिकारियों को, उन वीरों को जिन्होंने पहली गुलामी काटी, सरकार स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, सरकार के विरोध में जो उठता है उसको देशद्रोही कहते हैं। क्योंकि जो संविधान जलाते हैं, संविधान के विरोध में बोलते हैं, वो देशद्रोही नहीं होते क्या? देखिए ये जो फासीवादी सरकारें हैं ना, ये जो जालिम सरकारें, यहाँ इनके खिलाफ बोलना देशद्रोह है। जबकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं, लोकतंत्र में आर्टिकल 19 है कॉन्स्टिट्यूशन में, और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 हमें इजाजत देता है कि अगर हम किसी कानून का समर्थन नहीं करते, चाहे वो सरकार द्वारा बनाया गया हो या कोर्ट द्वारा बनाया गया, तो हम अपना विरोध दर्ज कराएं। ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में बाबा साहब ने कहा कि सत्ता से ज़्यादा विपक्ष की भूमिका अहमियत रखती है। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सत्ता में बैठे लोग तानाशाही करेंगे, निरंकुशता आएगी, जैसे अभी आ रही है। देश में किसान आंदोलन पर है। मुझे नहीं खुशी आज के नववर्ष की, मैं शौर्य दिवस पर नमन करने, सल्यूट करने तो आया हूँ, लेकिन देश का अन्नदाता सड़कों पर, क्योंकि ये जो केंद्र की सरकार है वो उनके हक अधिकार छीनना चाहती है, उनकी जमीन छीनना चाहती है। और अगर ये बिल लागू हो जाते हैं तो देश में 10 साल के अंदर भुखमरी आ जाएगी। मेरी बात को रिकॉर्ड कीजिएगा, 10 साल के अंदर भुखमरी आ जाएगी। 70% लोग आज भी दैनिक मजदूरी पर निर्धारित हैं, आधारित हैं कि वो सुबह काम पर जाते तब उनका पेट पलता है। अगर ये बिल लागू हो गए तो किसान का के यहाँ से 9 रुपये किलो गेहूँ आएगा और वो 100 रुपये किलो आटा बिकेगा, तो गरीब लोग भूख के कारण मर जाएंगे। तो इस देश में बाबा साहब का जो सपना था समतामूलक समाज पर आधारित, कि सबको बराबरी के अधिकार मिले, सम्मान मिले, सुरक्षा मिले और उनका जीवन भी अच्छा जीवन, कोई किसी के साथ गैर बराबरी ना,
वो आज भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, बाबा साहब का संविधान पूर्ण से लागू नहीं हुआ, लेकिन आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो संविधान खत्म करना चाहती है। जब तक हम हैं, भीम आर्मी है, इस देश में अम्बेडकरवादी लोग हैं, हमारी जाने जा सकती है, शहादतें हो सकती हैं, लेकिन भारतीय संविधान पे आँच नहीं आई। और मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि अब उन्हें बाबा साहब की वोट के अधिकार का सही प्रयोग करना चाहिए, अब अपनी सरकारें बनानी चाहिए, जिससे कि किसी के आगे हाथ फैलाने का जीवन हमारा ज्यादा दिन तक ना रहे। बाबा साहब ने कहा 21वीं सदी हमारी है और ये मांगने से नहीं मिलेगी। अगर आपका कोई अधिकार छीन लिया गया है तो वो आपको छीन कर ही लेना पड़ेगा, वो मांगने से नहीं मिलेगा। तो मैं नौजवानों से उम्मीद करता हूँ कि वो आंदोलन में आए, वो संघर्ष में आए, वो तय करें कि वो नौकर बनकर जीना चाहते हैं या वो मालिक बनकर जीना चाहते हैं, वो तय करें। क्या बोलेंगे आप? ईवीएम मेरा बस चले तो मैं ईवीएम आज ही खत्म करा दूँ, लेकिन मैं अभी सत्ता में नहीं हूँ और ना ही चुनाव आयोग मेरे हाथ में। यहाँ तो कोई बोलता है सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सब उसके पीछे लगा देते हैं, यहाँ की सरकार कुछ लोग बोल रहे हैं उनके पीछे, देखिए आप किस तरह चल रहा है। मगर मैं जानता हूँ कि लोकतंत्र में जनता मांगे और बाबा साहब के सपनों का भारत बनेगा, बाबा साहब के सपनों पर आधारित आंदोलन चलेगा, अम्बेडकरवाद आएगा, मनुवाद कुचला जाएगा। मनुवादी की तरफ से नकली संविधान आने का षड्यंत्र चल रहा है इसके बारे में? हमारे यहाँ चलवाइए ना षड्यंत्र, जहाँ हम रहते हैं इलाज नहीं कर देंगे। आपके यहाँ चल रहा है, आप लोग महाराष्ट्र के लोग इतने पीछे थोड़ा ही, हम तो आपसे ऊर्जा लेते हैं। इस धरती से पूरी दुनिया को ऊर्जा मिलती है, पूरी दुनिया में रहने वाले लोग बाबा साहब को तथागत बुद्ध को धन्यवाद करते, साधुवाद करते धम देने के लिए। वो कहते हैं हमें गर्व है कि हमें धम मिला। महाराष्ट्र में रहने वाले लोग, जहाँ बुद्धिस्ट लोगों की सबसे ज़्यादा आबादी, वहाँ अगर चोरी हो रही है तो इसका मतलब कहीं हम लोग यूनाइट होकर काम नहीं कर रहे हैं। मैं प्रयास करूँगा सब लोग इकट्ठा करने का और एकजुटता बनाने का। आखिरी सवाल, जो शिक्षित युवा है जो बाबा साहब की चलवल से जुड़े हुए, वो कहीं तो भी इन पॉलिटिकल लीडरों के कारण कहीं तो भी वायबल होते हुए भटक रहे हैं, तो उनके लिए उन युवाओं के आप क्या समझेंगे? देखिए, बाबा साहब ने कहा पॉलिटिक्स द मास्टर की। बाबा साहब ने ये भी कहा कि राजनीति में हिस्सेदारी ना लेने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि योग्य लोग आप पे शासन करें। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि अपो दीपो, अपना दीपक स्वयं बने, तर्क करें, वितर्क करें, आदमी को जांचे, परखे, सुने और ये देखें वो मूवमेंट पे है या नहीं, वो आंदोलन पे है या नहीं, बाबा साहब के दिखाए रास्ते पे है या नहीं, या वो राजनीतिक स्वार्थ में बेवकूफ़ बना रहा है। तो जनता पढ़ी लिखी है, अम्बेडकरवादी नौजवान बहुत ऊर्जावान है। कोरोना का डर है, लोगों को जान में खतरा है, लेकिन हमारे लोग कितनी संख्या में आप ये देख सकते हैं। और मैं ये भी जानता हूँ धरती में वो ताकत है, अगर ये कोरोना का और तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते तो यहाँ आज 10-20 लाख लोग इकट्ठे होते, हम फिर आएंगे, उससे बड़ी तादाद में आएंगे। लेकिन भीड़ जो है ना, भेड़ और भीड़ एक जैसी होती है, मैं भेड़ नहीं चाहता, मैं योद्धा चाहता हूँ, नौजवान जो आएंगे इतिहास पढ़ने से, इतिहास आपको बल देता है, इतिहास आपको बताता है आप थे क्या, इतिहास आपको बताता है कि आपके साथ जुम जाते किसने की, इतिहास ये बताता है दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, इतिहास ये बताता है आपके साथ कितने छल हुए हैं। तो इसलिए ये हमारा इतिहास है, अगर हम इसको नहीं बताएंगे तो कुछ दिनों में ये छिपा दिया जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ आते हैं कि इतिहास जिंदा रहे, इतिहास पढ़ेंगे भी, इतिहास लिखेंगे भी और बाबा साहब का सपना पूरा करेंगे। आप सब लोगों को जय भीम, मंगल कामना। संघर्ष करो।